Hello and welcome to Mentoring the Mentors my dear educators let's talk about the socio-economic determinants of education in India इससे मतलब क्या है इट रेफर्स टू द वेरियस सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स एक्सेस टू एजुकेशन एक इंडिविजुअल को एजुकेशन का एक्सेस कितना है एजुकेशन के आउटकम्स वो कितना अचीव कर पा रहा है उसको सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं हम उसकी बात करते हैं पहला फैक्टर जो हम बात करें दैट इज इनकम एंड पॉवर्टी इनकम एंड पॉवर्टी लेवल सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट एक्सेस टू एजुकेशन इन इंडिया लो इनकम हाउस होल्ड जिनकी है दे ऑफन फेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं लिमिटेड एबिलिटी होते है उनकी की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर पाए सो पॉवर्टी कैन लीड टू चाइल्ड लेबर अर्ली मैरिज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन उसके कारण क्या होता है कम एनरोलमेंट एंड हायर ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं तो ये वेरियस हैं रिलेटेड टू सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया उसके बाद सेकंड जो हम बात कर करें दैट इज सोशल क्लास सोशल क्लास इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंडिविजुअल्स जो हैं बिलोंग करते हैं उनके एजुकेशन की एक्सेस में बहुत सारे बैरियर्स का उनको सामना करना पड़ता है हर्डल्स होते हैं अपॉर्चुनिटीज उनको कम मिलती है तो यह सोशो इकोनॉमिक डिस उसमें आती है एजुकेशन की अवेलेबिलिटी के लिए एजुकेशन की एक्सेस के लिए फर्स्ट so पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया इनकम सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल क्लास अब थर्ड पॉइंट है जेंडर सो जेंडर एक अनादर फैक्टर है जैसे कि गर्ल्स को सारी इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती उनको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप इसमें वो एक्सप्लेन कर सकते हैं लिमिटेड एक्सेस होता है स्कूल का स्कूल दूर होते हैं वो जो हमने जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट किए इन गर्ल्स एजुकेशन आप उसके रिलेटेड यहाँ पर बात कर सकते हैं एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू रूरल अर्बन डिवाइड रूरल और अर्बन जो क्षेत्र है जो जगह है उसमें भी क्या होता है कि वेरियस जो फैसिलिटीज हैं, उसमें बहुत अंतर होता है कि क्वालिफाइड टीचर्स एजुकेशनल रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बेसिस पर एक डिवाइड जो है वो क्रिएट हो जाता है रूरल और अर्बन एरिया के जो है रहने वाले लोग और जहां वहां पर वो स्कूल अवेलेबल होते हैं तो लर्निंग आउटकम्स उतनी नहीं अजीब हो पाती हैं उनका फोकस टीचिंग मेथडोलॉजी मे बी दे आर नॉट अपडेटेड एंड अपग्रेडेड राइट सो ये एक आपने रूरल एंड अर्बन जो है डिवाइड ये टॉपिक डिस्कस किया एंड नेक्स्ट वन इज पेरेंटल एजुकेशन एंड ऑक्युपेशन पेरेंट्स की जो एजुकेशन है वो भी इस चीज को बहुत इफेक्ट कर रही है अगर तो पेरेंट इवन दे आर एजुकेटेड एनआफ देर एनआफ लाइक कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन इंपॉर्टेंस क्या है अगर तो है, aware. उनका उतना नहीं है तो उनको लगता है कि शायद हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है गर्ल्स को शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है तो ये उनकी नेचर उनकी थिंकिंग उनकी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है उनकी एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या काम करते हैं उनकी ऑक्यूपेशन ऑल्सो इस चीज को अफेक्ट करती है

वजह से ये सारी डिस्पैरिटीज हो सकती हैं सो एड्रेसिंग दी सोशियो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स अ मल्टीफेशिएटेड अप्रोच इसके लिए हमें बहुत सारी पॉलिसीज जो एजुकेशन की बनाई जाती हैं उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करने की जरूरत है राइट पॉवर्टी को एड्रेस करने की जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में बेटर हो फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको बेटर हो यानी जो हम फाइनेंस एलोकेशन का सिस्टम डिस्कस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली उसमें भी ये पॉइंट डिस्कस किया था ये प्रिंसिपल कि नीड बेस्ड जो है वो फाइनेंस एलोकेट हो सो बाय फोकसिंग ऑन दीज डिटर्मिनेंट एजुकेशन इक्विटी एंड सोशल डेवलपमेंट कैन बी फोस्टेड इन इंडिया सो दिस विल बी आस्क्ड एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन राइट